तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 19 जनवरी 2024, पौष शुक्ल नवमी पर चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 1, शुभ अंग रहेगा लाल, शुभ दिशा रहेगी पूर्व, राहु काल रहेगा। सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:32 तक रवि योग दिन रात रहेगा, दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को 5:22 से लेकर के शाम में 7:42 तक विशेष क्या है, मुद्गर योग है, बड़ा विशिष्ट योग होता है कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। और साथ ही साथ नवमी तिथि और भरणी नक्षत्र के मेल से देवी वन दुर्गा के पूजन का विधान है, क्योंकि शाकंभरी नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय है वो भी माता वन दुर्गा से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको समस्याओं से कैसे मुक्ति मिलेगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष राशि वालों, कारोबार में विस्तार का मन बना पाएंगे, अपनों से धोखा मिलने के योग हैं, सतर्क रहें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, साझेदारी में विवाद के योग हैं, छात्रों को सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि चावल के दाने तिजोरी में रखें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, रोजगार में प्रगति मिलेगी, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या का समाधान होगा, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, दाम्पत्य जीवन हालांकि सुखी बना रहेगा। उपाय ये करें कि इत्र का इस्तेमाल करें। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाए की बात करेंगे, कारोबार में लंबित काम पूरे होंगे, अचानक धन लाभ के योग हैं, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, भावनात्मक संबंध रिश्तों में बदल सकते हैं, खान पान पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उपाय ये करें कि छत या बालकनी में कर्पूर चलाएं। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, जरूरी काम रुकने से कुछ तनाव हो सकता है, आर्थिक कामकाज में बाधाएं जो है वो दूर हो सकती हैं, परिवार के साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, दोस्तों से मुलाकात से लाभ हो सकता है, बस आलस्य से थोड़ा बचें। उपाय ये करें कि सिक्के पर चंदन लगाकर पर्स में रखें। बात करेंगे पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की, सिंह राशि वालों, पारिवारिक जीवन सुखी बना रह सकता है, सामाजिक सम्मान भी आपका बढ़ सकता है, सरकारी महकमों से सहयोग मिलने की संभावना है, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं, यात्रा में थोड़ा सा सतर्क रहें। उपाय ये करें कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को फलदान करें। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे, व्यापार में विस्तार की योजना बनाएंगे, सारे कामकाज आसानी से पूरे होंगे, छात्र सफल रहेंगे, पारिवारिक सुख में कुछ कमी आ सकती है, मानसिक तनाव बना रह सकता है, ऐसे में एक उपाय करें, गणपति पर खीर का भोग लगाएं। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं तुला राशि वालों, सहकर्मियों से तनाव रह सकता है, लोगों से बातें साझा करने से आपको बचना होगा, पिता से सहयोग मिलेगा जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी, संतान को भी सफलता मिलने के योग हैं। उपाय ये करें कि तुलसी पर चीनी चढ़ाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, आय में वृद्धि होगी, अपनों से धोखा मिलने के योग हैं, आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें, दाम्पत्य संबंध मजबूत होंगे, सामाजिक लोकप्रियता आपकी बढ़ सकती है। उपाय ये करें कि गुलाबी शेड के कपड़े पहने। नवीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, नई चीजें सीखने का प्रयास करेंगे, घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे, नौकरी में तरक्की के योग हैं, कारोबारी यात्रा से लाभ के योग हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभ देगा। उपाय ये करें कि घर के अग्नय कोण में अगरबत्ती जलाएं। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, फंसा हुआ धन मिलने के योग हैं, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी देने से बचें, सलाह लेकर ही काम करें तो बेहतर रहेगा, सेहत भी आपकी ठीक बनी रहेगी। उपाय ये करें कि अंगूठे पर शुद्ध घी लगाएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, दफ्तर के कामकाज में व्यस्त रह सकते हैं, उधार के लेन देन से आपको बचना होगा, व्यक्तिगत संबंध मधुर बने रहेंगे, संपत्ति में निवेश से लाभ की संभावना है, जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलेगी। उपाय ये करें कि पूजा घर में गुलाब का फूल चढ़ाएं। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, अधिकारीगण व्यवहार से खुश रहेंगे, व्यापारी की योजनाओं पर खर्चा करेंगे, सरकारी कामकाज में सफलता मिल सकती है, शांति से समय बिता पाएंगे, सेहत भी नरम बनी रहेगी। उपाय ये करें कि किसी पेड़ पर दही चढ़ाएं। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा। देखिए खास दिन है, नवमी तिथि है, वैसे भी ये शाकंभरी नवरात्र चल रहा है और ये जो तिथि है ये देवी दुर्गा को समर्पित है, वन दुर्गा को समर्पित है। ऐसे में समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए देवी वन दुर्गा के निमित्त कांसे के पात्र में यानी कि कांसे के दिए में या किसी बर्तन में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम वन दुर्गाय नमः। आश्वस्त करता हूं आपको समस्याओं से निश्चित मुक्ति मिलेगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।